उन्होंने कहा जब आप साउथ में काम करते हैं सब तामिल में बात करते हैं अगर तामिल सेट बने, और सब तेलुगु में बात करते हैं अगर तेलुगु सेट बने, लेकिन हम लोग अंग्रेजी में बात करते हैं और हम बना रहे हैं हिंदी फिल्में। तो मुझे कहीं ऐसा लगता है कि हम अपने आप को भी चीट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हिंदी बड़ी अनकूल सी लैंग्वेज है और हम एक दूसरे हिंदी में नहीं बात कर सकते, क्योंकि हम लोग तो हैं बड़े पता नहीं कहाँ से, यूएस से आए हुए। अगर आपकी जो सोच आपकी मिट्टी से जुड़ी नहीं है, या आप उससे कहीं और भटक रहे हैं, आजू बाजू देख रहे हैं, या आप ये देख रहे हैं कि उस सिनेमा ने ये बनाया तो हम यही बनाने की कोशिश करेंगे और इसलिए ये चलेगा, तो ये बहुत ही गलत ख्याल है मेरे हिसाब से। ओटीटी इसलिए चल रहा है क्योंकि वो एक दूसरे को कॉपी करने की कोशिश नहीं करते हैं। एक शो बन गया तो उस शो को छोड़ देंगे, अभी आगे दूसरा कुछ बनेगा। लेकिन हमारे वहां क्या है कि एक बायोपिक बन गई तो 50 बायोपिक्स बन रही है, एक ये बन गई तो ये एक 50 यही फिल्में बनेंगी। तो हम लोग इतनी कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और रीमेक्स तो हमें बनानी ही नहीं चाहिए, हमें रीमेक्स को दूर रख देना चाहिए, हमें ओरिजिनल स्टोरीज बतानी चाहिए। हमारे पास बहुत कहानियां हैं, हाँ बड़े सारे पैसे लूंगी और कर लूंगी, क्योंकि तो मुझे मेरा अगला घर बनाना ओके तो और हमसे वो और वो फिल्म मैंने होनी और वो फिल्म और वो फिल्म होनी चाहिए किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ जिसका नाम आपने ले बिल्कुल लिया है। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन और नव भारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। साल 2022 जाने को है, जिसकी हम विदा करने के लिए जिसको तैयार हैं, और नए साल का आगमन होने वाला है जिसके जश्न की तैयारी चल रही है। ऐसे में हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सितारों से जिन्होंने 2022 में खूब नाम कमाया है, और ऐसी ही एक मेहमान हमारे साथ है, आना कुमरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं। इतने सारे अवार्ड, इतना काम किया आपने, इन सब के लिए शुभकामनाएं थैंक और स्वागत। यू सो मच संजय जी, बहुत अच्छा लगा। जी तो बताइए, किन शब्दों में इस पूरे साल को आप बुनती हैं? अगर मैं पूछूं कैसा रहा साल, तो किन शब्दों में बयान करेंगी? मुझे लगता है कि ये मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण साल गया है। इस साल मेरी बहुत बहुत सीख मिली है, इस साल बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ने का मौका मिला है, और इस साल बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मुझे लगता है कि इस साल मतलब एक क्लैरिटी होती है, एक शिफ्ट होता है ना, कि आपके करियर में कई बार ये कहा जाता है कि एक शिफ्ट आता है जिसके दौरान आपको इतनी सफलता मिलती है लेकिन आपको असफलता भी मिलती है उसके साथ साथ। तो आपको उसके दौरान ये पता चलता है कि क्या आपको लेना है, क्या छोड़ना है पीछे, क्या किसके साथ जुड़ के आपको आगे बढ़ना है। तो मैं उस तरह इस साल को डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगी। इसको आप ऐसे भी देखती हैं क्या, ये पहला साल था जिसमें यू नो 12-13 साल हो, आपको 1.5 दशक की हीरोइन हो गई, आप ऐसे बोलूं मैं? लगभग 1.5, हाँ उतना तो आप बोल सकते हैं। 1.5 दशक की हीरोइन हो गई हैं, और अच्छा आपको लगता है अब ड्यू मिलना कैसा लगा? 1.5 दशक बोला तो लगा कैसा आपको? नहीं, मतलब इतना सोचता नहीं है इंसान, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता कि वो साल कहाँ निकल गए इतने। क्योंकि जब तक आपका आपका ड्यू मिलता है, हम लोग को तो इतना ही लेट हो जाता है, क्योंकि हमारे पास कोई है नहीं खड़ा करने के लिए, कोई प्रवचन देने के लिए या कोई ये देने के लिए कि भाई इसको लो इसको लो इसको लो, ऐसा कोई है ही नहीं। मतलब खुद ही करो, खुद ही अपने आप को प्रमोट करो, खुद ही अपनी मार्केटिंग करो और खुद ही अगली जॉब लेने की कोशिश करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें इतने साल निकल जाते हैं कि अभी आपने 1.5 दशक कहा तो तब मुझे ऐसा लगा कि मैंने कहा हाँ यार काफी साल हो चुके हैं इंडस्ट्री में। तो आपको लगता है अब जाकर आपको इंडस्ट्री में एक अपनी एक मजबूत जगह मिली है? मुझे लगता है कि अब जाकर इंडस्ट्री ने थोड़ा पहचानने की कोशिश की है। मुझे लगता नहीं कि ये मजबूती इतनी आसानी से मिलती है, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत ही फिकल है हमारी। आज हम ऊपर हैं, कभी हम नीचे हैं, कभी हम पीछे हैं, कभी हम आगे हैं। ऐसा मतलब कोई रूल नहीं है, ऐसे कोई कॉर्पोरेट जॉब नहीं है कि प्रमोशंस मिलते रहेंगे और प्रमोशन के बेसिस पर और क्या आपके बिजनेस के बेसिस पर कि आपने कितना बिजनेस किया उसके बेसिस पर आपको काम मिलेगा। कभी कभी काम अच्छा होता है, कभी काम छोटा होता है, कभी काम बड़ा होता है, तो उसके हिसाब से आपको अपना मजबूत करने के लिए मुझे लगता है कई कई साल लग जाते हैं। पर हाँ मैं इतना जरूर कहूंगी कि लोग अब थोड़ा पहचानने लगे हैं,
लोग अच्छे काम से आपका नाम जोड़ने लगे हैं। जब भी कोई मुझे मिलता है, हमेशा मेरे फैंस या जो लोग मेरा काम देखते हैं, और वो कई बार ऐसे होता है कि एयरपोर्ट से मुझे कोई मिल जाता है या ट्रैवल करते वक्त कोई मिल जाता है, और जब भी उन्होंने मुझसे मिलकर दो बातें की हैं, उन्होंने हमेशा मुझसे ये कहा है कि आप अच्छे काम से जुड़ती हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक वैसा नाम कमाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि आप नाम तो कैसे भी कमा सकते हैं, लेकिन अच्छा काम करके नाम कमाना वो एक बड़ी बात होती है। देखिए आपका ट्रैक एकदम अलग है आना, मैं आपको बॉलीवुड की वो जो टॉप 10 टॉप 3 की लिस्ट होती है उसमें कंपेयर ही नहीं करता हूँ, मैं वहां पे नहीं देखता हूँ। अलग तरह का सिनेमा और अलग तरह का काम कर रही है। ओटीटी में खास तौर से आपने एकदम मजबूत पकड़ बनाई है, इंटरनेशनल लेवल पे आपको खूब देखा दिखाया गया है। क्या वहां से कुछ कॉल्स आए आपको खास तौर से काम के लिए, क्या कोई बातचीत हुई ऐसी? नहीं, फिलहाल इतनी नहीं हुई है, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि इस साल होएगी, काफी होगी, क्योंकि मैं कोशिश भी कर रही हूँ कि मैं बाहर काम करूँ, क्योंकि मुझे बाहर के डायरेक्टर्स के साथ भी काम करने का मौका चाहिए, और मुझे लगता है कि यही कुछ साल है हमारे पास ये प्रूव करने के लिए कि हम इंडियन एक्टर्स ही नहीं है, हम एक ग्लोबल ऑडियंस और एक ग्लोबल एक्टर बनने की कोशिश भी कर सकते हैं। और बहुत एक्टर्स हैं जो ग्लोबली काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि वहां पहचान भी होती है, क्योंकि वहां पर आपको कई बार काम आपकी ऑडिशन के बेसिस पर ही मिलता है। ये नहीं कि क्योंकि आप किसी को जानते हैं तो वो फिल्म बना रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे एजेंट्स हमें ऑडिशन टेप्स भेजते हैं, बोलते हैं कि भाई ऑडिशन का ये सीन है, आप ही ऑडिशन करिए और आपको इसकी बुनियाद पर काम मिलेगा। और मेरे ऑडिशन चल रहे हैं और मैं काफी कोशिश कर रही हूँ कि मैं वहां जाकर खुद मिलकर वहां पर ऑडिशन दूं और मिलूं लोगों से। काम बहुत अच्छा है, पूरी दुनिया में काम बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि हम लोग कभी कभी बहुत ज्यादा कुएं के मेंढक बन जाते हैं कि हम सोचते हैं कि सिर्फ इसी इंडस्ट्री में काम लेना है, लेकिन अगर आप बाहर निकलें थोड़े हाथ पैर मारें तो काम उतना ही मिलेगा जितने आप हाथ पैर मारेंगे। तो वो मेरा एक बहुत ही मतलब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मानना है। क्या बात है, मुझे ऐसा लग रहा था कि बाहर से आपको कॉल आ रहे होंगे, और मतलब आए, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे बताइए किस बेस पर ये कॉल आए हैं, कौन सा काम आपका सबसे ज्यादा देखा गया जिसकी जिसकी वजह से आपको अप्रोच किया जा रहा है? काफी काम देखा गया है। आपको लगता है कि आपका काम लोग नहीं देख रहे हैं ग्लोबली, लेकिन आपका काम ग्लोबली बहुत लोग देखते हैं। और एज आई सेड कि जब आप बड़े तौर पर बड़ी फिल्में करते हैं या कभी कभी छोटी फिल्में भी करते हैं, इंडी फिल्म्स करते हैं, तो वो इतने फेस्टिवल्स में जाती है, लोग आपका काम फेस्टिवल्स में देखते हैं, फेस्टिवल्स के जरिए आपको और फिल्म मेकर्स से मिलने का मौका मिलता है, तो उसके जरिए भी आपको बहुत काम मिलता है। तो आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये फिल्म पैरेलल फिल्म है या ये इंडी फिल्म है या ये सिर्फ इस सेंसिबिलिटी का सिनेमा है, क्योंकि कमर्शियल फिल्म्स तो खैर सभी देखते हैं, लेकिन पैरेलल फिल्म्स या जो इंडी फिल्म्स होती हैं, ओटीटी पे जो काम होता है वो कई लोग कंज्यूम कर रहे हैं और कई देशों पे कंज्यूम कर रहे हैं, और आपको पता ही नहीं कि आपकी ऑडियंस है कहाँ। तो वो मुझे हमारे काम के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है कि आपका काम कहाँ से कहाँ निकल जाए आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन किसी ने अगर स्पेसिफिक नाम लिया हो कि ये यहाँ पर मैंने आपको देखा, वो क्या था जिसका नाम सबसे ज्यादा लिया? मुझे लगता है लिपस्टिक आना मैं बुरखा का सबसे ज्यादा नाम लिया गया है, पर क्योंकि मैंने बहुत वैरायटी के रोल्स किए हैं, और जब कोई मेरी आईएमडीबी लिस्ट देखता है और देखता है कि मैंने क्या क्या काम किया है, तो उन्होंने देखा है कि मैंने खुदा हाफिज में भी मैंने एक हिजाब पहनकर एक अरेबिक वुमन का रोल किया है, तो मुझे काफी पर्शियन रोल्स के लिए कॉल्स आते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मैं पर्शियन दिखती हूँ। मुझे काफी कॉल्स आते हैं आई थिंक क्योंकि लिपस्टिक आना मैं बुरखा खैर उसके लिए तो आए ही हैं, लेकिन लोगों ने कॉल माय एजेंट बहुत देखा है, तो नेटफ्लिक्स पे जो था बेताल बहुत लोगों ने देखा है, और क्योंकि वो दोनों ऐसे शोज हैं जो ग्लोबली बहुत काफी ऑडियंसेस देख चुकी हैं, तो मुझे इन दोनों के लिए काफी मतलब आई वाज शॉक्ड जब मुझे इन दोनों के लिए कॉल आया था। आपने जी के साथ बहुत अच्छा आपका रिश्ता है, उनके साथ अच्छा काम किया आपने, किस तरीके से उनके साथ अपने रिश्ते को देखती है, क्योंकि ये प्रोफेशनल रिश्ता है, और क्या क्या काम किया थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। जी खैर मुझे लगता है मैं उनकी पोस्टर गर्ल हूँ मैं तो हमेशा यही कहती हूँ,
क्योंकि जी के साथ एक बहुत ही घरेलू आई थिंक बंधन बन चुका है, क्योंकि मैं जी के साथ थिएटर भी कर चुकी हूँ। तो सरसा सरला जी थिएटर पर है, जी पर सलाम बैंकी आ रही है इस साल, और इंडिया लॉकडाउन तो आ ही चुकी है। रंगबाज करके मैंने इनके साथ एक शो किया था, एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर करके एक फिल्म है जो जी पर है, तो मेरा काफी काम जी पर है। और जब भी कुछ जी पर आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अच्छा घर के किसी प्लेटफॉर्म पे कुछ आ रहा है, तो एक वो घर वाली फीलिंग होती है ना। तो मुझे लगता है कि जी ने एक बहुत ही अच्छा वातावरण अपने एक्टर्स के साथ क्रिएट किया है, और जी बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट बना रहा है। रंगबाज ऑफ कोर्स बीइंग माय नंबर वन फेवरेट, बिकॉज रंगबाज में मतलब एक एक आइडेंटिटी मुझे मिली थी, और मुझे एक ऐसा रोल मिला था जो मेरे ही शहर का था, तो वो मेरा एक बहुत ही फेवरेट रोल और फेवरेट सीरीज रह चुकी है। ऑब्वियसली उन्होंने लखनऊ में शूट किया था तो मुझे बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि मेरे घर के बगल में शूट हुआ था। क्या तो बात है। जी हमेशा मैं अपने आप, हाँ, तो तो मैं जी को हमेशा एक होम ग्राउंड आपने समझती उनके उनके पैसे थोड़े बचाए, आपने होस्ट किया अपने घर में बुला बुला के सबको। हूँ। हमारा घर अब बेच चुके, तो मैं घर के बाहर जाके फोटो खिंचाती थी, तो साके बहुत गुस्सा होता था, बोलता था तुम्हारे नए ओनर ना तुम्हें मारेंगे किसी दिन। लेकिन सब लोगों को मैंने खाना बहुत खिलाया है। जब भी कभी कोई शूटिंग होती है वहां पर, सब लोग को बड़ा मजा आता है, क्योंकि खाना बहुत भर भर के आता है मेरे फ्रेंड्स के घर, आई मीन के रेस्टोरेंट से। अब मुझे बताइए आगे जी के साथ किस तरह के लाइनअप्स हैं, कुछ शूट कर रही हैं जितना आप बता सकती हैं, कुछ शूट कर रही हैं, कोई बात चल रही है, कुछ साइन किया है? नहीं, मैंने कुछ साइन नहीं किया जी के साथ, और जी के साथ फिलहाल कोई बात नहीं चल रही है। बट आई एम होपिंग कि इस साल कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग शो, मैंने जी को बहुत बार बोला है कि मुझे एक फीमेल हेल्म शो चाहिए जी से, और ना कि ऐसा शो जहां पर इतने सारे मेल कैरेक्टर्स हो और फिर एक फीमेल हो। मैंने कहा कि मुझे ऐसा शो नहीं करना है उनके साथ, तो मैं बहुत केयरफुली अपने शो सिलेक्ट कर रही हूँ इस साल। और जी को पता है कि मुझे क्या चाहिए, मैंने मनीष सर से ही बात की है, मैंने काफी लोगों से बात की है, और आई होप समथिंग इंटरेस्टिंग आए इस साल। बैक टू द हॉलीवुड, बाहर का काम, हम वहां पे किस तरह का काम आप देख रही हैं? क्या छोटे छोटे रोल भी करेंगी? क्या क्राइटेरिया होगा? थोड़ा ये अगर आप बताएं। आई डोंट थिंक मैंने कोई क्राइटेरिया सोच के रखा है। जब हम बॉलीवुड में छोटे छोटे रोल्स कर लेते हैं तो हॉलीवुड तो बहुत ही छोटी सी बात है छोटे रोल्स करने के लिए, क्योंकि वहां पर तो सारे रोल्स बहुत अच्छी तरह से लिखे जाते हैं, और छोटे से छोटा रोल भी अच्छी तरह से दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है ऑडियंसेस के लिए। लेकिन मैंने बॉलीवुड में भी कभी ऐसे नहीं सोचा कि ये रोल छोटा है या बड़ा है। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में मेरे से दो सीन्स थे, लेकिन वो दो सीन्स बहुत महत्वपूर्ण सीन्स थे, और बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर था। या फिर आप खुदा हाफिज उठा लीजिए, उसमें मेरा सिर्फ सेकेंड हाफ में पूरा रोल था, या सलाम बैंकी में आई कम अगेन इन द सेकेंड हाफ। लेकिन मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स उठाती हूँ, ना कि मुझे ये देखना है कि लेंथ कितना है रोल का। मैं हमेशा ये देखती हूँ कि इस रोल से कहानी आगे बढ़ेगी या नहीं, या मुझे इसके बाद मुझे मेरा दूसरा काम मिलेगा नहीं या नहीं, तो वो मैं सोच के हमेशा अपना रोल उठाती हूँ ज्यादातर। जी बिल्कुल, देखिए प्रतियोगिता हमेशा रहती है, खत्म नहीं होती। जैसे अब आपने ओटीटी में अपनी जगह बना ली है तो एक कहीं पर वहां पर एक संतुष्टि है, लेकिन वहां पर भी जारी है प्रतियोगिता। एक दूसरी ओर है जहां बॉलीवुड को, जिसको मैं छोड़ रहा था कि मैं हम आपकी तुलना नहीं करते, लेकिन आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है कि मुझे भी धर्मा यशराज की फिल्मों का हिस्सा बनना है। वो जो टॉप 3 वाली है वो अभी भी वो है? मुझे लगता है कि अभी इन चीजों का इतना महत्व नहीं रह गया है मेरे हिसाब से संजय जी। अभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक अच्छा शो बनाएं और वो शो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंसेस देखें, मेरे लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि मुझे इतनी बड़ी फिल्म करनी है। क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म करके अगर आपके ऑडियंसेस सिर्फ 5 लोग देख रहे हैं या उसे पसंद नहीं कर रहे हैं, तो उसका फायदा क्या है? उससे अच्छा कि मैं अच्छी बड़ी सीरीज पकड़ूं। या आप ये बड़ी फिल्में इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि फिर आप एक बड़ा पेचेक मांग सकें, या जब आप कोई बड़ी सीरीज उसके बाद साइन करें तो फिर आप प्रोड्यूसर से बोल सकते हैं कि भाई हमने इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम किया है और इतने बड़े तौर पे काम किया है, तो हमारा अगला सीरीज में हमारा इतना इतना हमारा इनकम होना चाहिए, या हमारा इतना बड़ा ओहदा होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप बड़े
प्रोडक्शन हाउसेस के साथ आप इसीलिए काम करना चाहते हैं क्योंकि फिर आपका ओहदा उतना बढ़ता है। लेकिन ये कहना कि सिर्फ बड़े प्रोडक्शन हाउसेस अच्छा काम करते हैं और छोटे प्रोडक्शन हाउसेस इतना अच्छा काम नहीं करते हैं, वो थोड़ा गलत होगा। क्योंकि मेरे कुछ मैं कुछ ऐसे शोज के साथ जुड़ना चाहती हूँ इस साल जो यूपी या बिहार से रिलेटेड हैं, क्योंकि वो मेरा अरीना वही है, मेरा गांव वही है, मेरा शहर वही है। और मैं काफी ऐसे एक्टर्स देखती हूँ जो बंबई से हैं लेकिन उनको यूपी और बिहार के ज्यादा कैरेक्टर्स मिलते हैं, ना कि जो लोग यूपी और बिहार से एक्चुअली ओरिजिनेट होते हैं उनको वो रोल्स बहुत कम मिलते हैं। मैं कभी कभी ये सोचती हूँ क्योंकि हम लोग एक हमें टाइपकास्ट किया जाता है क्योंकि आप एक तरह से दिखते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं यार ये बहुत ही मॉडर्न लगती है, ये ऐसी लगती है। पर मेरा ऐसा बहुत मेरा सपना तो इस साल यही है कि मैं कोई ऐसा शो करूं जो कहीं मेरे जिले या मेरे गांव या मेरे प्रदेश से जुड़ा हो। कोई है क्या कैरेक्टर, किरदार, कहानी जिसको लेकर आपके मन में है कि यार ये करना है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है मुझे खुद ही लिखनी पड़ेगी और मुझे खुद ही प्रोड्यूसर्स को बोलना पड़ेगा कि भाई बना ले। अच्छा, अब कहीं ना कहीं जो बड़े प्रोडक्शन हाउस है वहां की मीटिंग्स मेरे ख्याल से आसान हो गई होगी। नहीं, मुझे आज तक नहीं मीटिंग्स मिली है, मुझे पता ही नहीं उनके साथ मीटिंग्स कैसे होती हैं। मुझे पता ही नहीं एक्चुअली, आई रियली फील कि मुझे, मैं तभी उनके साथ मीटिंग्स करती हूँ जब मुझे काम मिलता है सामने से। मैं जाके किसी से मिलती नहीं हूँ और वो शायद मेरी शॉर्टकमिंग हो सकती है, मैं अपनी शॉर्टकमिंग कह सकती हूँ। लेकिन मेरा हमेशा से ये मानना है कि अगर काम नहीं है तो आप मीटिंग्स करके करेंगे क्या? ठीक है, वो आपका काम देख करके आपको बुलाएंगे। आज तक जितने भी बड़े, अब पंकज त्रिपाठी मेरे लिए सबसे बड़े एग्जाम्पल रह चुके हैं। अगर पंकज त्रिपाठी इतने अच्छे एक्टर नहीं होते तो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस उनको नहीं बुलाते बड़ी बड़ी फिल्में करने के लिए। लेकिन ये बात अलग है कि लड़कियों के लिए रोल्स नहीं लिखे जाते हैं, बंदों के लिए रोल ज्यादा लिखे जाते हैं। बंदियों के लिए आप पूरी फिल्में देख लीजिए, 50 लड़के होंगे, 2 लड़कियों का रोल होगा या 1 लड़की का रोल होगा। तो लड़कियों या औरतों के लिए रोल्स कम लिखे जाते हैं और वो हमेशा से मेरी एक कंप्लेन रही है हमारे फिल्म मेकर से कि आप लड़कियों या औरतों के लिए आप इतने रोल्स क्यों नहीं लिखते जितने आप मर्दों के लिए लिखते हैं, तो वो समस्या हो जाती है। लेकिन आपका ये पूछना सवाल कि मेरी मीटिंग्स आसान हो गई हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी भी किसी को नहीं जानती हूँ। मैं आज भी, मुझे जब कॉल्स आते हैं तो मुझे ऑडिशंस के लिए बुलाया जाता है, मैं आज भी ऑडिशंस करती हूँ। और मेरा हमेशा पहले यही सवाल होता है कि आप उन बच्चों को ऑडिशन करते हैं क्या जिनको, जिनके माँ बाप फिल्म इंडस्ट्री में है या उनको एक फिल्म के बाद दूसरी फिल्म फटाक से मिल जाती है? तो मेरा हमेशा से वो सवाल उनके लिए भी रहा है। लेकिन आई अंडरस्टैंड कि हर फिल्म मेकर आपको कास्ट नहीं करेगा या आपको हर जगह यू नो फुट इन द डोर नहीं मिलेगा। सींग आपको उतने मारने पड़ेंगे, हाथ पैर आपको उतने मारने पड़ेंगे, स्ट्रगल आपकी हमेशा सेम रहेगी। साल 2022 में कौन से 3 कलाकारों का काम मेल फीमेल दोनों मिक्स कर सकती हैं आपके दिमाग में? अभी भी अगर मैं इस सवाल कर रहा हूँ तो इमेजिनेशन में पीछे चल रहे हैं, वो कौन से 3 कलाकार हैं और कौन सा काम है? मुझे काफी लोगों के काम पसंद आया, मुझे लगता है 3 कलाकार बोलना थोड़ा गलत होगा। 5 कर ले, 5 ले लेंगे, 5। नहीं, मतलब मैं ऐसे बहुत से मेरे एक्टर्स हैं जिनको मैं पसंद करती हूँ। मुझे पंकज जी बहुत पसंद है, उनका काम मतलब चाहे मैं कुछ भी देख लूं हमेशा बहुत एंटरटेनिंग रह चुके हैं। विजय वर्मा मुझे बहुत पसंद है, विजय का काम मुझे बहुत पसंद है, आलिया का काम मुझे बहुत पसंद है। मुझे और कौन कौन पसंद आया है, काफी लोग हैं इस साल। खैर, इस साल मुझे ऑफकोर्स आई हैव लव्ड फिल्में मुझे काफी पसंद आई। मुझे RRR बहुत पसंद आई थी, तो मुझे ऑफकोर्स द फर्स्ट टाइम आई वॉच्ड यू नो जूनियर NTR और रामचरण तेजा, इनका परफॉर्मेंसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। बहुत ही इनक्रेडिबली गुड लुकिंग एक्टर्स हैं एंड आई थिंक काफी एक्टर्स हैं। समांथा मुझे बहुत पसंद है, साई पल्लवी मुझे बहुत पसंद है, काफी एक्टर्स जो साउथ के जिनके बारे में मैं कुछ जानती नहीं। सोरराई पोट्रू मेरी फेवरेट फिल्म है इस साल की। सूर्या मुझे बहुत पसंद है और मुझे उनसे मिलने का मौका भी मिला इस बार जब मैं गई थी फिल्म फेयर साउथ अटेंड करने, और मैं उनसे मिली और मुझे वो बहुत सुंदर भी लगे और
बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है, और उन्होंने जो स्टेज पे कहा, उन्होंने और ज्योतिका ने अपनी फिल्म को लेकर जो कहा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके थॉट्स मुझे लगता बहुत प्रोग्रेसिव हैं एज फिल्म मेकर्स। और वो जो फिल्म में जय भीम करके एक फिल्म निकली है इस साल, जो मुझे लगता है कि इस साल ये मेरी दो फेवरेट फिल्म्स रही हैं, जय भीम और सुर्रे पोचू और ऑफकोर्स कंटारा, ऋषभ शेट्टी का परफॉर्मेंस, क्योंकि मुझे और ऋषभ शेट्टी मुझे इंस्पिरेशनल भी लगते हैं, क्योंकि उनको इतने सालों तक उनके मन का मन चाहा काम नहीं मिला, तो उन्होंने जाकर खुद से कहानी लिखी, उसे बनाया, और वो बहुत आई थिंक इज इंस्पिरेशनल, बिकॉज फिर आपको ऐसा लगता है कि यार आप अपने आप को सिर्फ एक एक्टर की तरह मत देखिए, आप अपने आप को एक एक आर्टिस्ट की तरह देखिए, और अगर आपका काम अच्छा है या आपकी कहानी में दम है तो आप अपनी कहानी पैन इंडिया भेज सकते हैं। पैन इंडिया और साउथ का नाम आपने लिया है, तो साउथ को लेकर क्या विचार है, वहां काम करेंगी नहीं करेंगी, कैसा? अच्छा, अभी काम तो बहुत ऑफर हो रहा है, चुनना थोड़ा सा वो भी हो रहा है ना कि क्या करूं नहीं, क्या ऐसा नहीं करूं? नहीं कि काम बहुत ऑफर हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं लगता है, काम मुश्किल से आता है, काम अभी भी इतना ऑफर नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है साउथ में, ये लोग सोचते होंगे कि अच्छा ये वाली फिल्में ऐसी करती हैं तो इनको हम कौन सी फिल्म में डालने की कोशिश करें, तो ऐसा नहीं है कि काम बहुत इजिली मिलता है। लेकिन हाँ, आप ये अगर ये पूछना चाहते हैं कि मैं साउथ की फिल्मों के लिए ओपन हूँ, यस, बिकॉज मुझे लगता है वहां पर बहुत अच्छी स्टोरीज बना रहे हैं, बहुत अच्छी कहानियां बोलते हैं, और वहां पर काम आपको मिलना इतना मुश्किल नहीं है जितना बॉलीवुड में है। वहां पर न्यूकमर्स को काम बहुत इजीली मिलता है, और अगर आपके अंदर डेडिकेशन है या लैंग्वेज को आप बैरियर नहीं समझते हैं तो आप वहां पर इजीली काम कर सकते हैं। तो आप न्यूकमर्स थोड़ी ना है, आपको तो वैसे भी मिलेगा। अरे वहां तो मुझे न्यूकमर ही समझेंगे ना, मैंने काम थोड़ी ना। इस साल 2022 में आप घूमी कहाँ कहाँ, छुट्टियां कितनी मनाई और कैसा बहुत रहा जो ज्यादा, लंबी? मैं अभी छुट्टी से ही आ रही हूँ। हाँ बहुत छुट्टियां मनाई है इस साल, तो मतलब मैं बहुत जगहें घूमी हूँ, और मेरा एक ये मानना भी है कि मैं बंबई में काफी दिनों तक रह नहीं पाती हूँ। मेरा बंबई से जब तक काम कर रही हूँ तब तक ठीक है, उसके बाद फिर मैं ऊब जाती हूँ, फिर मैं निकल जाती हूँ, फिर मैं अपना बैग पैक करती हूँ, कहीं की भी टिकट्स करती हूँ, निकल जाती हूँ, लखनऊ चली जाती हूँ, गोवा चली जाती हूँ, मनाली चली जाऊंगी, अमृतसर चली जाऊंगी, चंडीगढ़ चली जाऊंगी, दिल्ली चली जाऊंगी, कहीं ना कहीं निकल जाती हूँ मैं, बनारस अकेले? चली जाऊंगी। हाँ, मैं मेरे बहुत दोस्त हैं काफी देशों प्रदेशों में, मेरे बहुत दोस्त हैं, मुझे कोई ना कोई खाना खिला देता है, कहीं रह लेती हूँ, कहीं घूम लेती हूँ, और बस मुझे बस उसका बहुत शौक है। मैं कह रहा था अकेले कब तक जाएंगी आप? अकेले तो मैं बहुत घूमती हूँ, मैं बोला अकेले तो मैं अकेले कब पता तक नहीं। जाएंगी आप, मैं सवाल तो सुनो आप मेरा। अकेले कब तक जाओगे आप? अब वो नहीं पता संजय जी, आदमी इंसान आता तो अकेला ही है ना, दुनिया में जाएगा भी अकेला, और तो घूमो अकेले। हाँ तो आपने इस सवाल को वो थोड़ा सा किनारे कर दिया है, किनारे ही रहने दें कि इस पे थोड़ी बात करें। नहीं, किनारे रहने दीजिए। आपने नया घर खरीदा है, कहाँ जी, आप अभी तक खरीदा? आए नहीं हाँ, है? नया नहीं आप अभी तक आए? का लोकेशन क्या क्या है नए घर का? अंधेरी में ही है, अंधेरी चलो, में ही है। ये बहुत बढ़िया है। तो ये तो बहुत बड़ा आपका अपना सपना रहा होगा, अपना घर खरीदना अपने पैसे से, अपनी कमाई से। थोड़ा सा इस पे जी, बताइए, कितने दिन सोचा, कैसे घर अपना हो गया अभी? दिन साल सोचा? हाँ नहीं, आपको ऑब्वियसली साल लग जाते हैं, और आप अपने मतलब मेरा हमेशा ये था कि मुझे कुछ नई गाड़ी नहीं लेनी है, मुझे कहीं खर्चे नहीं करने हैं ज्यादा, इधर उधर वो नहीं करना है। मेरा हमेशा से बहुत क्लियर कट डिसीजन था कि मुझे घर लेना है बम्बई जैसे शहर में, एक घर तो अपना होना ही चाहिए, तो वो हमेशा से मैंने मॉम डैड को बोल के रखा था कि मुझे एक चाहिए मेरा घर। तो आई थिंक काफी सालों तक हम लोगों ने खोजा खोजा, फिर मम्मी पापा के घर के बगल में एक और घर मिला, तो मैंने कहा कि अब मैं ये लेने वाली हूँ, तो लिटरली लाइक आजू बाजू है, लेकिन अब सब लोग एक साथ ही रह रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छा काम किया आपने कि पास में ही हैं आप। तो हाँ मुझे बिल्कुल। बता, नए साल का रेजोल्यूशन क्या बनाया है इस 2023 में, क्या कुछ नया या जो नहीं कर पा रही थी करेंगी? मैंने कुछ लिखा है संजय जी, और मेरी बहुत कोशिश है कि मैं इस साल उसे बना पाऊं, क्योंकि आई वॉन्ट टू मूव टूवर्ड्स मेकिंग माई ओन कॉन्टेंट, और रेजोल्यूशन खैर मैं बनाती नहीं हूँ,
लेकिन बस यही है कि इस साल कोशिश थोड़ी ज्यादा करूंगी कि अपना लिखा हुआ शो या अपनी लिखी हुई फिल्म बना पाऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि दैट्स द प्रोग्रेशन नाउ। अब जो करियर में मैं अपना प्रोग्रेशन देख रही हूँ, मैं वो देख रही हूँ कि मैं खुद का कुछ लिख कर दुनिया को के सामने पेश कर पाऊं। तो इसमें सिर्फ राइटिंग होगा कि अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस भी, मतलब अपने बैनर पे अपने उस पे करेंगी? बस वो तो खैर होपफुली अगर मेरा प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर हो जाए टाइम पर और सब कुछ हो जाए तो मैं कर लूंगी, बट आई वुड लाइक समवन टू को प्रोड्यूस इट विद मी। मैं प्रोड्यूसर्स फिलहाल ढूंढ रही हूँ। और देखिए आपका काम है, आपने लिखा है, और अगर ये पूरा प्रोड्यूस आप करती हैं, इन द सेंस नॉट पैसा वाला प्रोडक्शन, तो कैसे लोगों को आप जोड़ेंगी? दो तरह के प्रोड्यूसर होते हैं ना, हमारे दर्शकों को शायद ये नहीं पता होगा, प्रोड्यूसर दो तरह के होते हैं, एक जो पूरा प्रोग्राम बना लेते हैं, तो बिना पैसे वाले। हाँ, तो आप कैसे एक्टर्स को जोड़ेंगी, किन लोगों को? आप न्यू कमर के साथ काम करेंगी, एस्टेब्लिश लोगों के साथ काम करेंगी? मैं खैर उनके साथ काम करूंगी जिनका काम मुझे पसंद है, और मुझे ऐसे बहुत एक्टर्स मेरे दिमाग में ऑलरेडी है जो मुझे बहुत पसंद है, जिनके साथ मेरी एक रिलेशनशिप भी है। और क्या होता है ना, जब आप पहली बार कुछ बनाते हैं तो आपको उनके साथ जुड़ना चाहिए जिनको जिनके बारे में आपको 100% पता कि ये लोग जुड़ जाएंगे। मैं पहले उनको पूछूंगी जो मुझे पता है कि मेरे साथ जुड़ जाएंगे, फिर बाकी ऑफकोर्स अगर आपका शो अच्छा है तो फिर ऑब्वियसली फ्यूचर में फिर बाकी लोग भी आपके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। जाते आते हमको बताइए कि 2022 में क्या क्या चीजें साइन की हैं, जितनी आप बता सकती हैं पूरी। अभी तक हम जी की बात कर रहे थे कि जी में क्या साइन किया, तो वहां आपने बताया कि कुछ भी नहीं, लेकिन बाकी जगह जो आप बता सकती हैं। मैंने एक फिल्म साइन की है लोन स्टार फिल्म्स के साथ, ये यूएस बेस्ड एक कंपनी है, और शारिफ हाशमी और मैं दोनों ने साइन की है। इस फिल्म का नाम है कैंसर। हम लोगों ने फिलहाल अभी तक वही साइन, मैंने फिलहाल अभी तक वही साइन किया है, आगे मैंने अभी तक कुछ साइन नहीं किया है। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आ रही हैं, लेकिन मैं एज आई सेड कि मैं बहुत केयरफुली इस साल अपने प्रोजेक्ट्स चुनना चाहती हूँ, और कोशिश यही है कि मैं अपना खुद का एक शो बनाऊं, तो उसके लिए भी मुझे थोड़ी जगह रखनी पड़ेगी। एक समय के बाद इतनी जिम्मेदारी आ जाती है कि लोग ना आपके काम को जब बहुत ज्यादा ध्यान से देखना शुरू कर देते हैं, तब बहुत सोच के साइन। तो क्या कोई क्राइटेरिया आप रखती हैं कि ऐसी कहानी होगी, ऐसे कलाकार होंगे, प्रोडक्शन हाउस ऐसा होगा, या क्या, किन चीजों को ध्यान रखती हैं आप? ध्यान में खैर मैं हमेशा डायरेक्टर सबसे पहले रखती हूँ कि डायरेक्टर अच्छे होने चाहिए। ऑफकोर्स प्रोडक्शन हाउस भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि क्या होता है कि जब प्रोडक्शन हाउस प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं होता है तो आप चाहे जितना अच्छा काम कर ले वो लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। और ये मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि मैं एक ऐसा काम करूं जो लोगों तक पहुंच पाए, या ऐसे किरदारों के साथ काम कर रहा हूं जो ज्यादा से ज्यादा, मतलब मैं एक्टर्स के साथ काम कर सकूं। लाइक जैसे सलाम बैंकी में मैंने फिलहाल अभी बहुत ही अच्छे एक्टर्स के साथ काम किया है, बहुत अच्छी टेक्निकल टीम के साथ काम किया है, रेवती मैम ने डायरेक्ट किया है, तो मुझे कुछ बहुत ही प्यारे लोगों से जुड़ने का एक मौका मिला। तो एज आई सेड अर्लियर कि मैं हमेशा नहीं देखती कि रोल कैसा है, मैं हमेशा देखती हूँ कि आप क्या बांध रहे हो एक साथ और आपकी इंटेंशन क्या है। अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है ना तो मैं आपके साथ जुड़, मतलब एक सेकंड में जुड़ जाऊंगी, लेकिन अगर आपकी इंटेंशन ठीक नहीं है या आप मतलब शो बना रहे हैं लेकिन आप बेमन से शो बना रहे हैं या आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर मुझे थोड़ा वो अजीब लगता है। एक मेमोरी जो आप इंडिया लॉकडाउन से हमेशा अपने पास रखेंगी वो क्या है, और सलाम बैंकी से भी एक? इंडिया लॉकडाउन से मुझे लगता है कि मैं हमेशा उसकी शूट की मेमोरीज रखूंगी, क्योंकि जिस तरह मधुर सर ने हम सबको बांध के और ये मेरे घर पे आई थिंक दिस वन कॉम्प्लीमेंट आई विल गिव मधुर भंडारकर कि वो एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो अपनी पूरी कास्ट को एक साथ प्रमोट करते हैं। वो ये नहीं है कि सिर्फ एक एक्टर को प्रमोट करेंगे या दो एक्टर्स को प्रमोट करेंगे, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि वो हम सबको एक साथ, चाहे हमें सिद्धि विनायक लेकर गए, चाहे हमें रैप पार्टी में उन्होंने बुलाया, चाहे हमें उन्होंने जितने भी इंटरव्यूज करवाए, उन्होंने हम चारों को एक साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए वो मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मधुर भंडारकर ने कभी किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझा, हमेशा ये देखा कि चारों एक्टर्स को उतना ही प्यार
और उतना ही महत्व मिलना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है एक डायरेक्टर में, क्योंकि फिर आप जैज एन एक्टर यू वॉन्ट टू वर्क अगेन विद दैट डायरेक्टर, फिर आपको ऐसा लगता है कि यार इस डायरेक्टर ने आपको इतनी रिस्पेक्ट दी है, दिस इज द रिस्पेक्ट दैट यू शुड ऑल्सो गिव दैट डायरेक्टर। अच्छा मुझे ये बताइए, 15 साल इंडस्ट्री में पूरे कर लेना और एक यंग वो है, आपका बहुत नाम भी है, क्या आप वो जिम्मेदारी महसूस कर दी कि आप बॉलीवुड में किस तरह का काम बन रहा है, बॉलीवुड को किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरह की कहानियों, क्योंकि जब एक बात होती है कि ओटीटी के आने से कहीं ना कहीं बॉलीवुड फिल्में नहीं चल रही हैं, लेकिन ओटीटी साउथ में भी तो आया है, तो अब ये जो समय है इसमें देखिए साउथ को भी बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि सबकी निगाहें अब साउथ पे ज्यादा हैं, क्योंकि लोग वहां का कंटेंट देख रहे हैं। ऐसे में बॉलीवुड को क्या कुछ करना चाहिए, मतलब आप ये मत कह दीजिएगा कि मैं तो काम कर रही हूँ, मैं पूरे बॉलीवुड, मतलब ये कह देंगे तो फिर ये सवाल खत्म हो जाएगा। मतलब एक थोड़ा सा है कि आपका भी अपना वो है, आप लोगों के कंधे पर अब आगे आप दिखाएंगे क्या सिनेमा आप कर रही हैं, क्या कंटेंट आप कर रहे हैं। मैं तो आपको पता है कि कभी पॉलिटिकली राइट आंसर्स देती नहीं हूँ, तो मुझे क्योंकि मैं तो कभी ये नहीं देखती कि कौन मेरा माई बाप मुझे काम दे रहा है, मुझे तो काम मेरे काम की वजह से हमेशा मिला है, ना कि क्योंकि मैं किसी को जानती हूँ या मैं किसी के साथ पार्टी करती हूँ या मैं कहीं जाती हूँ। मैं हमेशा से ये कहती हूँ और मैं ये कहती आई हूँ और ये मैंने अपनी काफी Z5 के इंटरव्यूज में भी कहा है कि हम लोग को प्रोपेगेंडा फिल्म्स बनानी बंद करनी चाहिए, हमें हमारी मिट्टी से जुड़ी फिल्में बनानी चाहिए। साउथ जो सही काम कर रहा है वो यही कर रहा है कि वो अपनी मिट्टी से जुड़ी कहानियां बता रहे हैं। एक चीज नवाज भाई ने एक इंटरव्यू में कही थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा जब आप साउथ में काम करते हैं सब तमिल में बात करते हैं अगर तमिल सेट पर है, और सब तेलुगु में बात करते हैं अगर तेलुगु सेट पर है, लेकिन हम लोग अंग्रेजी में बात करते हैं और हम बना रहे हैं हिंदी फिल्में, तो मुझे कहीं ऐसा लगता है कि हम अपने आप को भी चीट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हिंदी बड़ी अनकूल सी लैंग्वेज है और हम एक दूसरे से हिंदी में नहीं बात कर सकते, क्योंकि हम लोग तो हैं बड़े पता नहीं कहाँ से US से आए हुए लोग हैं। लेकिन आपकी अगर मेंटालिटी, आपकी थिंकिंग, आपका थॉट प्रोसेस ही ऐसा है कि आपको ऐसा लगता है कि हिंदी में बात करके आप थोड़े छोटे हो जाएंगे या हिंदी फिल्मों में अगर आप काम करेंगे, अगर आपकी सोच अपनी मिट्टी से जुड़ी होगी तो फिर आप अच्छी फिल्में बनाएंगे। अगर आपकी जो सोच आपकी मिट्टी से जुड़ी नहीं है या आप उससे कहीं और भटक रहे हैं, आजू बाजू देख रहे हैं, या आप ये देख रहे हैं कि उस सिनेमा ने ये बनाया तो हम यही बनाने की कोशिश करेंगे और इसलिए ये चलेगा, तो ये बहुत ही गलत ख्याल है मेरे हिसाब से। OTT इसलिए चल रहा है क्योंकि वो एक दूसरे को कॉपी करने की कोशिश नहीं करते हैं। एक शो बन गया तो उस शो को छोड़ देंगे, अभी आगे दूसरा कुछ बनेगा। लेकिन हमारे वहां क्या है कि एक बायोपिक बन गई तो 50 बायोपिक्स बन रही हैं, एक ये बन गई तो ये एक 50 यही फिल्में बनेंगी, तो हम लोग इतनी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और रीमेक्स तो हमें बनानी ही नहीं चाहिए, हमें रीमेक्स को दूर रख देना चाहिए, हमें ओरिजिनल स्टोरीज बतानी चाहिए, हमारे पास बहुत कहानियां हैं। और अगर हम ये एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करें तो शायद मुझे लगता है कि हिंदी फिल्में भी उतना ही काम करेंगी जितना कि हमारे OTT के शोज काम कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत खूब। अब मुझे बताइए, आपके पास एक बड़ी रीमेक फिल्म आती है जो रीमेक की जा रही है, तो आप करेंगी कि नहीं करेंगी? हाँ, बड़े सारे पैसे लूंगी और कर लूंगी, क्योंकि मुझे मेरा अगला घर बनाना है। ओके, तो और वो फिल्म होनी चाहिए किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ जिसका नाम आपने ले लिया है। ठीक है, तो देखिए ये मेरे सवाल थे, और जाते आते कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक्टर से सवाल तो कर लेते हैं अपने, लेकिन उनके मन में भी कुछ होता है, वो कुछ अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, किसी विषय पर अपनी बात कहना चाहते हैं, तो आपके अपने दिल की बात जाते आते। मेरा तो बहुत ही सिंपल है, मैं इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करती हूँ मामला, बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि हम फिल्मों में काम करते हैं और ऑडियंसेस को 2 मिनट लगता है एक फिल्म को ट्रैश करने में, लेकिन उस फिल्म पर 500 लोग काम करते हैं, 500 लोगों की फैमिलीज उस फिल्म की वजह से चलती हैं। और बहुत आसान होता है किसी को ट्रोल करना या किसी को ये बोलना कि आपका काम अच्छा नहीं लगा, लेकिन उस काम के पीछे कितने लोग काम करते हैं या कितनी फैमिलीज जुड़ी होती हैं, उसके बारे में थोड़ा ध्यान हमारी ऑडियंसेस को भी रखना चाहिए। इतना हार्श बनने की कोई जरूरत नहीं है,
थोड़ा आराम से और थोड़ा प्यार से आप हमारी इंडस्ट्री को भी काम करने दीजिए, क्योंकि हम फाइनली एंटरटेनर्स हैं, और अगर एंटरटेनमेंट नहीं रहेगा तो ये जिंदगी या ये दुनिया रहने लायक नहीं रहेगी। हम आपको एंटरटेन करते हैं, प्लीज लेट अस एंटरटेन यू इन पीस, एंड प्लीज थोड़ा थोड़ा प्यार से हमारी फिल्में देखिए। ये पठान बेशरम रंग के लिए था? बिल्कुल नहीं, ये मेरे तो फेवरेट हैं शाहरुख खान सर, मेरे तो बहुत ही फेवरेट हैं। लेकिन हालिया कॉन्ट्रोवर्सी तो शाहरुख खान की है। अब उनकी जो कॉन्ट्रोवर्सी है वो तो पूरी धमाए तो पूरे देश में रोज कॉन्ट्रोवर्सी होती है। अगर मैं कॉन्ट्रोवर्सीज की बात करूंगी तो मैं अभिनेता नहीं नेता बन जाऊंगी, और मुझे नेता बनने का कोई शौक नहीं है वो फिल्मों के लिए। हाँ, आप शाहरुख के लिए कुछ कह रही थी। मैंने कहा मुझे बहुत पसंद है तो मैं तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाऊंगी। मैंने वो सॉन्ग उनका कुछ 50,000 बार देख लिया है, हमारे तो रोज, मैं तो रोज दिन में एक बार देखती हूँ वो, मुझे बहुत पसंद है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पठान के लिए। क्या लगता है जब आप गाना देखती हैं और फिर ये विवाद देखती हैं तो क्या सोचती हैं बैक ऑफ द माइंड? कुछ तो सोचती होंगी, मम्मी से बात करती होंगी कि अरे किस तरह की कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है। नहीं वो सब नहीं बोलती, मैं हमेशा मम्मी से बोलती हूँ कि हम लोग तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाने वाले हैं, और मुझे तो मतलब आज तक इस बात की खुशी कि शाहरुख सर मुझे जानते हैं, मैं तो उसी के लिए खुश हूँ, मेरी तो वही खुशी। क्या बात है, कैसे मतलब मैं भूल गया, कोई कुछ हुआ था ना? वो मेरे प्रोड्यूसर रह चुके हैं बेताल में। अच्छा हाँ, बेताल के प्रोड्यूसर। आपसे मेल मुलाकात हुई थी, आमने सामने बैठ के बात हुई थी? हाँ हाँ, दो बार। अरे दो बार क्या बात हुई थी? बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे, उनको आपके बारे में सब पता भी रहता है, मुझे बहुत अच्छे लग गया। ही इज वेरी क्विक विटेड, ही इज वेरी चार्मिंग, बहुत प्यार से बात करते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो बहुत क्वालिटीज हैं शाहरुख खान में जो आपको एज अ यंग एक्टर देखने को मिलती हैं और सीखने को मिलती हैं। तो आई फील लाइक मुझे तो मतलब वो बहुत प्यारे लगते हैं। क्या बातचीत हुई थी, आपने क्या पूछा था और उन्होंने क्या ऐसा, आपने कहा कि आपके बारे में सब कुछ पता होता है उनको? मैं तो कुछ पूछ ही नहीं पाया, मैं तो वही चुप हो गई कि उनको मेरा नाम पता था। कैसे कैसे आपको बोला मतलब? नहीं, वो मेरे रशेस देख रहे थे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे मजा आया बेताल पे काम करके, और कैसा था मेरा एक्सपीरियंस रेड चिलीज के साथ, और काफी चीजें उन्होंने मुझसे पूछी। फिर उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि जब वो यंग एक्टर थे, जब वो अपना करियर स्टार्ट कर रहे थे, या व्हेन ही वाज एट द पीक, तो कैसे कुछ कुछ होता है, और दिल से एक साथ शूट हो रही थी तो इतनी अलग अलग फिल्में, लेकिन वो डबल शिफ्ट करते थे, दोनों फिल्मों को एक साथ शूट कर रहे थे, और कितने अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहे थे। तो जब उन्होंने हमें इसके बारे में बताया तो मतलब वो तो लिटरली मास्टर क्लास है इन इट्स ओन वे। एक ऐसा एक्टर जिसने एक दुनिया, एक 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 देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपने प्यार में जकड़ के रखा हुआ है, उससे अगर आप फर्स्ट हैंड ये सब सुनेंगे तो आई फील कि आपको सीखने को तो मतलब बहुत कुछ मिलेगा। रेड चिलीज के साथ और कोई बात मतलब कुछ आप बोलकर आई हैं कि भाई हम फिर से काम करेंगे, ऐसी कोई बात? नहीं नहीं, पर उनको हमेशा पता है, आई थिंक दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ मी एंड आई होप हम लोग कुछ कोलैबोरेट करें फ्यूचर में। आना हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच, और ढेर सारी शुभकामनाएं जितना भी काम आपका आने वाला है सबके लिए। थैंक यू सो मच संजय जी, ध्यान रखिए और मेरे नए घर पर जरूर आइए।